आम के पेड़ पर चुड़ैल। एक बार की बात है, सुमन अपने भाई बबलू के साथ स्कूल से वापस घर आ रही थी। रास्ते में उन्हें एक आम का बगीचा दिखाई दिया जो बहुत ही सुंदर होता है। उस बगीचे का मालिक पेड़ से आम तोड़ रहा होता है। तभी बबलू अपनी बहन सुमन से कहता है, दीदी दीदी, मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या आप मुझे उन अंकल की तरह एक आम तोड़ कर दे दोगी? बबलू ये बगीचे का मालिक है, अगर हम अंदर गए तो ये हमें मारेगा और आम भी नहीं देगा, और फिर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम इसे पैसा देकर आम खरीद लें। मैं नहीं जानता दीदी, मुझे आम खाना है तो खाना है। बबलू आम खाने के लिए जिद करने लगता है। बेचारी सुमन को ना चाहते हुए भी बगीचे के अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही वह एक आम तोड़ने वाली होती है, तभी वहाँ बगीचे का मालिक राजेश पहुँच जाता है और उससे कहता है, ओए लड़की, तू मेरे बगीचे में क्या कर रही है? क्या तुझे बाहर लगा बोर्ड नहीं दिखाई दिया कि अंदर आना मना है? सुमन बहुत डर जाती है और डरते हुए राजेश से कहती है, अंकल अंकल मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप इतना गुस्सा हो जाओगे। मैं तो सिर्फ अपने भाई बबलू के लिए एक छोटा सा आम तोड़ रही थी, क्या आप मुझे एक आम दे सकते हो? पागल हो गई है तू? फ्री फोकट में तुझे आम दे दूं? इतना बड़ा पागल हूँ क्या मैं? ला पैसे निकाल, तभी तुझे आम दूंगा। अंकल जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, पैसे होते तो मैं आपसे आम नहीं मांगती। क्या कहा, पैसे नहीं है? अरे पैसे नहीं है तो मुंह उठाकर यहाँ क्यों आई है? जा अब यहाँ से निकल। अंकल प्लीज प्लीज एक आम दे दो, मेरा भाई भूखा भी है, उसका पेट भर जाएगा, अंकल प्लीज एक आम दे दो। राजेश उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद सुमन वापस अपने भाई बबलू के साथ अपने घर पहुँच जाती है। तभी बबलू कहता है, दीदी दीदी मुझे आम खाना है, आपने मुझे आम क्यों नहीं ला कर दिया? भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए आम जरूर लूंगी, लेकिन तुम जानते हो ना मेरे पास अभी पैसे नहीं है। दीदी हम गरीब क्यों हैं? काश हम अमीर होते तो हम जो चाहे वो खा लेते, दो दिन से खाना नहीं खाया है सही से, बहुत भूख लग रही है दीदी। बबलू तू एक ग्लास पानी और सूखी रोटी खाकर सो जा, कल मैं तुझे आम जरूर खिलाऊंगी। नहीं दीदी, मुझे ये सूखी रोटी नहीं खानी, मुझे आम खाना है, मुझे आम ला कर दो, मुझे नहीं पता, मुझे आम खाना है। बबलू की जिद देखकर सुमन परेशान हो जाती है और किसी तरह बबलू को संभालती है और उसे एक ग्लास पानी के साथ सूखी रोटी खिलाकर सुला देती है। अगले दिन सुबह बबलू सुमन से कहता है, दीदी आपने कहा था कि मुझे कल आम खिलाओगी, जाओ अब मेरे लिए आम लेकर आओ। बबलू की बात सुनकर सुमन परेशान हो जाती है। वो ये जानती थी कि बगीचे का मालिक उसे आम देना तो बहुत दूर, तोड़ने भी नहीं देगा। ना चाहते हुए भी वह अपने भाई की जिद पर आम तोड़ने जाती है, जिसके बाद बगीचे का मालिक उसे वहाँ से भगा देता है और वह वापस घर आ जाती है। दीदी आप मेरे लिए आम लाई हो ना आज? नहीं बबलू, मैं आम नहीं लाई, लेकिन मैं आज रात को आम जरूर लेकर आऊंगी। रात होते ही जब गांव के सभी लोग सो जाते हैं, सुमन चुपके से उसी बगीचे में जाती है और आम तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आम पेड़ पर इतनी ऊपर लगे होते हैं कि उसका हाथ ही नहीं जाता, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है। चढ़ते चढ़ते वह आम तक पहुंच जाती है। जैसे ही वह आम तोड़ती है, उसकी टहनी अचानक से टूट जाती है और वह नीचे गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वह एक चुड़ैल बन जाती है और आम के पेड़ पर ही रहने लगती है। ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो एक आम तोड़ने आई थी सिर्फ अपने भाई के लिए, लेकिन एक आम तोड़ने की वजह से मैं अपनी जिंदगी खो बैठी। इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था, लेकिन मेरा भाई घर पर भूखा ही सो रहा है, मैं उसके लिए आम ले जाती हूँ। चुड़ैल कुछ आम लेकर अपने भाई बबलू के पास जाती है तो वह देखती है कि खाना ना खाने की वजह से उसका भाई भगवान को प्यारा हो जाता है, जिसके बाद चुड़ैल फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया, मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, सिर्फ एक आम की वजह से, लोगों के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। अगर वह आदमी मुझे एक आम दे देता तो शायद आज मेरे भाई की ये हालत ना होती। ये सोच वह रोने लगती है और उसके बाद चुड़ैल वापस से आम के पेड़ पर चली जाती है। अगले दिन सुबह जब बगीचे का मालिक उस पेड़ से आम तोड़ने आता है, तो चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने नुकीले नाखून से उसका गला काट देती है। आम खाना था ना तुझे, ये ले अब ऊपर जाकर आम खाना। ये कहकर चुड़ैल बगीचे के मालिक को जान से मार देती है, जिसके बाद रात के समय कोई भी आम तोड़ने की कोशिश करता तो चुड़ैल उन्हें मार दिया करती थी।
एक दिन एक राधिका नाम की औरत उस आम के पेड़ को देखकर कहती है, कितना सुंदर आम का पेड़ है और कितने रसीले आम इस पर लगे हैं, क्यों ना मैं इसमें से कुछ आम तोड़ कर ले जाऊं। ये सोचकर वह आम तोड़ने जाती है, लेकिन वह आम तोड़ती इससे पहले चुड़ैल पीछे से आकर उसका गला दबा देती है और उसे मार कर आम के पेड़ पर लटका देती है। अगले दिन उस आम के पेड़ के पास गाँव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें से एक औरत कहती है, ये किसी इंसान ने नहीं किया है, ये तो किसी चुड़ैल का काम है। इस औरत की गर्दन पर नाखून के निशान देखो। तुम सही कह रहे हो, हमें इस पेड़ से दूर रहना चाहिए, नहीं तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग उस बगीचे के पास से गुजरना बंद कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं और एक दिन उस बगीचे के मालिक की बेटी कंचन अपने छोटे भाई रामू के साथ आम के पेड़ के पास आती है। तभी रामू कहता है, दीदी दीदी मुझे इस आम के पेड़ का एक आम खाना है, प्लीज मुझे तोड़ कर दे दो ना। अरे मेरे प्यारे भाई को आम खाना है, रुको तुम, मैं तुम्हें अभी आम तोड़ कर खिलाती हूँ। चुड़ैल आम के पेड़ पर बैठी हुई ये सब देख रही होती है। कंचन अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन उससे एक भी आम नहीं टूटता। ये सब देख चुड़ैल को अपने भाई की याद आ जाती है, कितना प्यारा था मेरा भाई और मैं हमेशा उसकी हर इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश किया करती थी, जैसे ये नादान बच्ची कर रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चुड़ैल आम के पेड़ से कुछ आम नीचे गिरा देती है जिन्हें कंचन उठाकर अपने भाई को खिला देती है। कंचन को चुड़ैल दिखाई नहीं देती, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि ये आम नीचे कैसे गिरे। कुछ देर में वह दोनों आम खाकर वहां से चले जाते हैं। तभी चुड़ैल अपने आप से कहती है, आज मेरे दिल को सुकून मिला है, जो काम मैं अपने भाई के लिए करना चाहती थी वो आज मैंने इस लड़की के भाई के लिए कर दिखाया, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। लेकिन ये सच बात है कि आजकल लोगों में इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ लोग इंसानियत दिखाकर गरीब लोगों की मदद कर दें, तो गरीब लोगों को इतनी मुसीबतें झेलनी ना पड़े। मोहन नगर में शांता अपनी बेटी रुबीना के साथ रहा करती थी। वो काफी गरीब थी और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में काम किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ कामिनी अपने बेटे सोहन के साथ रहा करती थी। वो काफी अमीर थे और उनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। साथ ही अमीर होने के साथ घमंड में वो गरीबों को कुछ भी नहीं मानती थी और गरीबों का मजाक बनाया करती थी। शांता कामिनी के पड़ोस में रहा करती थी। गरीब होने के कारण कामिनी की बेटी रुबीना पूरा दिन मिट्टी में खेला करती थी और वहीं सोहन अमीरी में जिंदगी जीने की वजह से अपने घर में बड़े बड़े कारों के साथ खेला करता था। और एक दिन रुबीना को बुखार आ गया। शांता रुबीना के इलाज के पैसे लेने के लिए अपनी मालकिन के पास जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कामिनी अपनी बेटे के लिए खिलौने लेकर घर वापस जा रही थी कि तभी कामिनी के कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसके नीचे शांता आ गई और कामिनी और शांता दोनों की ही मौत हो गई। कुछ ही देर में दोनों चुड़ैल बन गई। वहीं एक तरफ रुबीना बीमार थी, इसका इलाज करवाना था, और दूसरी तरफ सोहन के पास सिवाय कामिनी के कोई भी नहीं था उसकी देखभाल के लिए। अपने अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए दोनों चुड़ैल अपने अपने घर की ओर निकल जाती हैं। शांता रुबीना के पास जाती है और उसको बिस्तर पर पड़ा हुआ देख शांता उदास हो जाती है और वो रुबीना से बोलती है, रुबीना बेटी तेरा बुखार अभी तक नहीं उतरा। उसकी ये आवाज सुनकर रुबीना अपनी आंखें खोलती है और जब वो देखती है कि उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है तो वो डर जाती है। डरते हुए वो उस चुड़ैल से बोलती है, कौन हो तुम? बेटा रुबीना, मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझे पहचान नहीं पा रही। अगर तुम मेरी माँ हो तो तुम चुड़ैल कैसे बन सकती हो? शांता अब उसको सारी बात बता देती है और रुबीना अपनी माँ से बोलती है, माँ हमारे पास तो कोई भी नहीं था और आप भी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं किसके पास रहूंगी? रुबीना मेरी बच्ची, भगवान ने मुझे तेरे पास इस चुड़ैल का रूप देकर इसीलिए तो भेजा है ताकि मैं हमेशा तेरे साथ रह सकूं। इतना कहकर वो एक मामूली सी औरत का रूप धारण कर लेती है और अब अपनी जिंदगी फिर वैसे ही दूसरों के घरों में काम करके अपनी बेटी रुबीना का पेट पालने लगती है। वहीं दूसरी तरफ
कामिनी अमीर होने की वजह से घमंडी थी और जब वो चुड़ैल बनी तो वो अपने बेटे को नहीं दिख रही थी और अपनी माँ को न दिखने की वजह से सोहन बहुत रोने लगा और माँ माँ करके चिल्लाने लगा। माँ माँ कहाँ हो तुम? दो दिन हो गए तुम मुझे नहीं दिखी, कहाँ चली गई हो तुम? तुम तो मेरे लिए खिलौने लेने के लिए गई थी, कहाँ रह गई हो? अब तक नहीं आई, मैंने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, कहाँ हो माँ तुम? ये सब देखकर कामिनी रोने लगती है और खुद से बोलती है, ये कैसा अन्याय है, मेरी कार से शांता का भी एक्सीडेंट हुआ था लेकिन वो अपनी बच्ची का अच्छे से ध्यान रख पा रही है, लेकिन मैं तो मेरे बेटे को दिखाई भी नहीं दे रही हूँ, मैं अपने बच्चे की देखभाल कैसे करूँगी? कामिनी खुद से बात कर ही रही होती है कि इतने में शांता कामिनी को रोता हुआ देख उसके पास जाती है और उससे बोलती है, कामिनी बहन तुम इस तरह रो क्यों रही हो? तुम सोहन को खाना क्यों नहीं दे रही? देखो तो वो कितना रो रहा है। शांता अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। अरे कामिनी बहन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? जब बात सही है तो क्या बोलूं? अब तुम ही देखो मैं कितनी घमंडी हुआ करती थी, मुझे मेरे अमीर होने पर बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन आज ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं। मैं सोहन को ना तो दिख पा रही हूँ ना ही कुछ दे पा रही हूँ। मेरा बेटा भूखा बिलख रहा है, इतने पैसे होने के बाद भी आज मेरा बेटा भूखा है। कामिनी और शांता आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में सोहन शांता की साड़ी पकड़कर खींचने लगता है और कहता है, आंटी आंटी देखो ना मेरी माँ दो दिन से घर पर नहीं आई है, वो मेरे लिए खिलौने लेने के लिए गई थी लेकिन अभी तक घर नहीं आई, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। ये देखकर कामिनी शांता से बोलती है, शांता बहन मैं तो मेरे बेटे को कुछ नहीं दे सकती लेकिन तुम मेरे बेटे का ख्याल तो रख सकती हो, बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी जिससे तुम अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सको। ठीक है कामिनी बहन। और अब शांता सोहन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लग गई, मां सोहन भी उसका बेटा था और बदले में कामिनी शांता को पैसे दिया करती थी। और अब शांता रुबीना के साथ साथ अब सोहन का भी ख्याल रखने लगी, उसको खाना बनाकर खिलाया करती और हर वो चीज करती जो कामिनी उसके लिए किया करती थी। और अब ऐसे ही कुछ साल बीत गए, देखते ही देखते सोहन और रुबीना दोनों बड़े हो गए और एक दिन कामिनी शांता चुड़ैल से बोलती है, शांता बहन इतने साल बीत गए लेकिन आज तक मेरे बेटे सोहन को नहीं दिखी मैं, मेरी क्या गलती है? क्या मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी है कि मुक्त होते होते मैं अपने बेटे से ना मिल पाऊं? नहीं कामिनी बहन तुम एक दिन अपने बेटे सोहन को जरूर दिखोगी। सोहन और रुबीना की दोस्ती बढ़ती ही जा रही थी और एक दिन शांता चुड़ैल और कामिनी चुड़ैल आपस में बात करते हुए बोलती हैं। अरे शांता बहन देखो तो हम दोनों के बच्चे एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, क्यों ना हम इन दोनों को एक रिश्ते में जोड़ दें? कामिनी बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ और तुम इतनी अमीर हो, मेरी बेटी तुम्हारे घर में बहू बनके कैसे जा सकती है? शांता बहन मैं मानती हूँ कि मैं एक समय पर बहुत ही घमंडी और अकड़ू थी लेकिन अब मैं सुधर गई हूँ, तुम अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दोगी तो मेरे बेटे का ख्याल रखने वाली भी आ जाएगी, आखिरकार इन दोनों की एक ना एक दिन किसी ना किसी के साथ तो शादी होनी ही है, इससे अच्छा ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं तो इन्हें एक छोटे से रिश्ते में जोड़ दे।
शांता कामिनी चुड़ैल की जहां बात मान जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। और अब शांता चुड़ैल और कामिनी चुड़ैल का अपनी दुनिया में जाने का समय आ गया था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ और कामिनी चुड़ैल भी अपने सोहन को दिखने लगी। दुर्गापुर गांव में भोला अपनी बीवी सुनैना और अपनी एक बैल के साथ रहा करता था। दोनों की शादी नई हुई थी। भोला अपनी पत्नी के साथ उस गांव में खुशी से रहा करता था। लेकिन लोगों का यहाँ मानना था कि जहाँ भोला रहता है वहाँ एक भूत का वास है, इसलिए भोला और सुनैना से लोग बहुत ही कम बात किया करते थे। एक दिन सुनैना अपने पति भोला से कहती है, भोला जी, लोग हमारे घर से इतना डरते क्यों हैं? ये तो भगवान ही जानता है। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, इतने में उनको एक आवाज सुनाई देती है। आ, 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 आ। ये आवाज सुनते ही सुनैना और भोला दौड़ते हुए अपने पीछे के खेत में जाते हैं, लेकिन उनको वहां पर कोई भी नहीं दिखता है। अंधेरे की चांदनी रोशनी में सुनैना फिर एक बार अपने पति भोला से बोलती है, भोला जी, ये अक्सर आवाज आती है, यहाँ पर क्या सच में भूत रहते हैं? बस करो सुनैना, तुम भी ना अजीबो गरीब बातें करने लग गई हो। मानता हूँ कि सभी गांव वाले बोलते हैं कि यहाँ पर भूतों का वास है, लेकिन हमने अपनी नजरों से ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा तो हम नहीं बोल सकते हैं कुछ। सुनैना कुछ नहीं बोलती और अपने पति भोला के साथ घर की ओर वापस जाने लगती है कि तभी सुनैना को फिर एक बार आवाज आती है, लेकिन इस बार वह आवाज सिर्फ चिल्लाने की नहीं बल्कि धमकी भरी आवाज थी। सुनैना, तू और तेरा पति मेरे घर में रहने आए हो, जितने दिन तुम्हें रहना है सुकून से रहो, लेकिन मैं सबको मार कर यहाँ पर राज करूँगा। ये आवाज सुनते ही सुनैना अपने पति से बोलती है, भोला जी, भोला जी, आपने वो आवाज सुनी? कौन सी आवाज? अरे यही आवाज, देखो ना, इस बार ये सिर्फ चिल्ला नहीं रहा बल्कि मुझे धमकी दे रहा है कि मैं आपके साथ इसके घर में रह रही हूँ, लेकिन ज्यादा दिन सुकून से नहीं रह पाऊंगी, ये सबको मार देगा। बस करो सुनैना, कैसी बेहूदी बातें कर रही हो तुम। भोला उसकी बात नहीं मानता और उसको जबरदस्ती अपने घर की ओर ले जाता है, लेकिन सुनैना का मन ये मानने को नहीं था कि वह सिर्फ उसका वहम है। वहीं दूसरी ओर आधी रात 3 बजे सुनैना को रोने की आवाज आती है और उस रोते हुए आवाज का पीछा करते हुए सुनैना जाती है और उस खेत में जाकर पहुंच जाती है जहां पर भोला और सुनैना दोनों खेती कर अपना गुजारा किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ भोला की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसकी बीवी सुनैना उसके पास नहीं है और वह अपनी बीवी को ढूंढता हुआ घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन सुनैना उसको कहीं भी नहीं दिखती है। और ढूंढते ढूंढते भोला उस खेत में पहुंच जाता है जहां वह देखता है उसकी बीवी बेहोशी की हालत में धरती पर पड़ी हुई है। भोला तुरंत उसको उठाता है और अपने घर में ले जाता है। अगली सुबह सुनैना को होश आ तो जाता है, लेकिन वहां सुनैना के रूप में सुनैना नहीं बल्कि कोई और ही था। सुनैना को देख भोला उसे बोलता है, अरे सुनैना, तुम इतनी शांत क्यों हो? लेकिन सुनैना का कोई भी जवाब भोला को नहीं मिलता और इतना कहकर भोला वहां से चला गया। और जब वो खेती कर रहा होता है तब उसको अपने खेत में एक बैल का कटा हुआ सिर दिखाई देता है और वह डर जाता है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालता है और दोबारा खेती करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद भोला को फिर एक बार एक आदमी का सर दिखाई पड़ता है। वह उसको देख कर अब चिल्ला पड़ता है। भोला की आवाज सुनकर कुछ गाँव वाले वहाँ पर आते हैं और उससे पूछते हैं, अरे क्या हुआ भोलवा, काहे चिल्ला रहे हो तुम? अरे अरे काका, देखो ये पहले तो एक बैल का सिर मिला, लेकिन अब मुझे यहाँ पर किसी आदमी का कटा हुआ सिर दिख रहा है और यहाँ खून भी निकल रहा है। अरे भैया, हम तो तुमको पहले ही समझाए थे कि तुम्हारे घर और खेत में एको भूतवा है, लेकिन भैया तुम हमारी बात माने नहीं, लो अब भुगतो। इतना कहकर और सुनकर भोला और बाकी सभी गांव वाले अपने अपने काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और उसको देर हो गई जब वह घर जा रहा था बाकी किसानों के साथ, उसको एक आवाज आई, भोला।
भोला भोला, अरे ओ भोला, तुम्हारी बेबी अब तुम्हारी नहीं रही। कौन? भोला की ये बात सुनकर वहाँ पर एक बैल पर बैठा हुआ भूत उसके सामने आ गया और उसको देखकर गुर्राते हुए उसकी घर की तरफ चला गया। भोला को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह कुछ गांव वालों के पास गया और उनसे सारी बात बताई। तभी एक गांव वाला उसको बोलता है, अरे भोला भैया, हम एक पहाड़ी बाबा को जानते हैं, तुम कहो तो हम उसको लेकर आए। अरे हाँ भैया, मुझे अपनी पत्नी को बचाना है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहकर भोला के साथ कुछ गांव वाले उसके घर पर पहुंचते हैं और पीछे से पंडित आता है। उस पंडित को देख वह भूत सुनैना के शरीर में चला जाता है और तिलमिला उठता, साथ ही हवा में उड़ने लगता है। पहाड़ी बाबा उससे बोलते हैं, तुम कौन हो और इस बच्ची के अंदर क्यों आए हो? मुझे बता दो वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। पहाड़ी बाबा इतना कहकर उस भूत के ऊपर भभूत फेंक देते हैं, जिस वजह से भूत गुर्राते हुए बोलता है, मैं तुम सब में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इन गांव वालों ने मुझे मार दिया है, जिस वजह से मैं इन सब को मारकर अपनी बीवी बच्चों की मौत का बदला लूंगा। आखिर तेरे साथ हुआ क्या था? मैं अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यहाँ पर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु इन गांव वालों को मेरी सफलता अच्छी नहीं लगी। सोहन अपनी गर्भवती बीवी शारदा और अपने एक बैल के साथ रहता था। वह काफी खुशहाल था और पूरे गांव में सबसे ज्यादा उसी की खेत में फसल उगी थी, और जिस वजह से सोहन खूब तरक्की करता गया और धीरे धीरे करके वह अमीर होता गया। लेकिन उसकी यह सफलता कुछ लोगों को बर्दाश्त ना हो सकी और इसलिए कुछ बनिए लोग आपस में चर्चा करते हैं। अरे भैया, देखो तो सोहन वाह कितना अमीर होता जा रहा है। अरे हाँ भैया, हमें इसका कौनो इलाज करवाना पड़ेगा। अरे भाई, हमारी मानो रात में हम इनको भगवान जी के पास पहुँचा देते हैं। वह तीनों आपस में घिनौना प्लान बनाकर आधी रात को सोहन के घर में घुस गए और सोहन की गर्भवती पत्नी शारदा को मार दिया। यह सब सोहन का बैल देख रहा था और अपनी मालकिन को बचाने के लिए वह आया, लेकिन उन बनियों ने उस बैल को चूरा भोग कर मार दिया। तभी सोहन वहां आता है और वह चिल्लाने ही वाला होता है कि एक बनिया ने उसका गला काट दिया और उन तीनों की लाश उसी के खेत में दफना दी और उनका सारा पैसा लेकर वहां से चले गए। उन्होंने उन सबको मार तो दिया, लेकिन सोहन की आत्मा उसकी बैल में घुस गई और वह एक जादुई भूतिया बैल बन गया। इन सब ने मिलकर हम सबको कुछ पैसों के लिए मार दिया। उन्हें जरा सा भी तरस नहीं आया मेरी गर्भवती पत्नी को देखकर। मेरे बैल को मार दिया, मुझे मार दिया। क्या मिला इन सबको हमें मारकर? अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। हम मानते हैं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम अपने बदले की आग में इतने अंधे हो गए हो कि तुम सिर्फ उन बनियों को नहीं बल्कि सबको मारना चाहते हो। अरे इन बेचारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो इन्हें। मैं यहाँ अपने बैल के साथ चला जाऊंगा, लेकिन मैं जब तक उस बनिया को नहीं मारूंगा, मैं अपने बैल के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वह भूत उस गांव की भीड़ में से उन बनिया को निकाल कर मार दिया और उसकी पत्नी का शरीर छोड़कर वहां से चला गया। और अब भोला और उसकी पत्नी सुनैना सबकी मदद करने लगे और खुशी से रहने लगे।